मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की घटिया विधानसभा के विधायक रामलाल मालवीय ने ग्राम पंचायत ढाबला गोरी को आंगनवाड़ी भवन, माध्यमिक विद्यालय की बाउंड्री, आदिम जाति बस्ती के लिए मांगलिक भवन, सीसी रोड, बारिश के पानी के निकासी के लिए दो पुलिया सहित करोड़ों रुपए की स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन से दिलवाई। यह सौगात जनमानस की मांग पर विधायक रामलाल मालवीय ने राज्य शासन तक भेजने का प्रयास किया है, क्योंकि पिछली सरकार ने इन जनमानस की मांग को नजरअंदाज किया था। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में ग्राम पंचायत ढाबला गोरी के पोषक गांव डाबरी में ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित किया जा रहा, जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच और समस्त पंचगण, ब्लॉक अध्यक्ष, सरपंच प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। गांव में अनुसूचित जाति की बड़ी बस्ती है और यहाँ उनके लिए कार्यक्रम करने के लिए जगह नहीं थी। आप सबकी मंशा थी कि चुनाव में मुझे कहा था कि आंगनवाड़ी भवन हम लोग को चाहिए। हम लोग 10 लाख रुपए की लागत से यहाँ आंगन बड़ा मांगलिक भवन बनाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में हम लोग यहाँ काम कर सकें, कार्यक्रम कर सकें, बैठने की। ग्राम पंचायत ढाबला गोरी के गांव डाबरी में हम लोगों ने अभी आंगनवाड़ी भवन का भूमि पूजन किया है, और भूमि पूजन के दौरान ग्राम पंचायत का जो मांग पत्र थे, गाँव वासियों का जो मांग था, उसके अनुरूप ग्राम डाबरी में हम लोगों ने 10 लाख रुपए का मांगलिक भवन की स्वीकृति हम लोगों ने दी है। साथ ही पेयजल के लिए हेडपम्प की स्वीकृति दी है, साथ सीमेंट कांक्रीट के लिए अजा बस्ती में सीमेंट कांक्रीट के लिए जो ग्राम पंचायत का जो पत्र आया है उसको हम लोगों ने स्वीकृति दी है। आंगन माध्यमिक विद्यालय भवन के पास बाउंड्री वाल के लिए जो ग्राम पंचायत का जो प्रस्ताव आया उसकी स्वीकृति हम लोगों ने दी है। इस प्रकार गांव में जो गांव सड़क को जोड़ने के ढाबला गोरी डाबरी के बीच में घटिया से बॉटलिंग प्लांट से डाबरी तक, और घटिया डाबरी से जो एक जो खेत संपर्क के सड़क जोड़ने के लिए जो पत्र हम लोगों को दिया उसकी स्वीकृति हम लोगों ने दी है। इसी आधार पर ग्राम पंचायत डाबरी, ग्राम पंचायत ढाबला गोरी के गाँव में 1 करोड़ से आसपास की हम लोगों ने आज स्वीकृति दी, इसलिए उन सभी को बधाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।